हाई एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ने 2000 के नोट विदड्रॉ कर दिए हैं, तो इसकी इस वीडियो में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ने ये नोट जो हैं वो क्यों विदड्रॉ कर लिए, क्यों रोके हैं, क्यों करेंसी बंद की है 2000 के नोट की। तो देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हैं और हम देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यही आर्टिकल के बीच में से ही मैंने पॉइंट्स उठाए हैं। आरबी का कहना है कि 89% जो 2000 के नोट हैं, डिनोमिनेशन के नोट हैं, वो 2017 मार्च से पहले इशू किया गए थे। यानी अब मोस्ट रिसेंट 2017 के बाद अभी 2023 चल रहा है, आरबीआई ने 2000 के नोट इशू किए ही नहीं हैं। दैट मीन्स लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है 2000 के नोट की, वो डिमांड नहीं करते हैं या लोग उसे रखना पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा। टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन हैज़ डिक्लाइन, मतलब ये जो नोट हैं इनकी जो टोटल वैल्यू है सर्कुलेशन में वो काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ समय में, है ना। एंड देन अगर हम देखें, देखो 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद 80% कंप्राइज 80% ऑफ द टोटल करेंसी। अगर हमारी 100% करेंसी है मार्केट में या किस लोगों के पास होगी मार्केट में जहां पर भी है, उसमें से 80% जो नोट थे ना, 80% जो करेंसी थी ना, वो 2000 के नोट थे 2016 में। लेकिन अभी वो घट के सिर्फ 10 से 11% रह गया है। यानी 2000 के नोट जो हैं वो टोटल करेंसी का सिर्फ 10 से 11% है, जो कि काफ़ी कम है। दैट मीन्स इसकी डिमांड नहीं है। अब देखो, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ लेनी है तो आप 2000 से ऊपर का नोट खर्च कर 2000 खर्च करते हो, और दो हज़ार के आपको मल्टीपल्स चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपने सब्ज़ी खरीदनी है, आपको छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी है, तो फिर आपको 2000 के नोट की ज़रूरत नहीं होती है, और उसकी चेंज लेना बड़ा ही मुश्किल होता है। यानी आपको 50 रुपये की चीज़ लेनी है और 2000 का नोट दे दो तो कितना मुश्किल होता है। यानी आपको 200 रुपये की सब्ज़ी लेनी है फिर भी आप 2000 का नोट देते हो, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है ना। सो डिमांड में जो है वो इतना 2000 का नोट नहीं था। सो व्हेन कॉन्टैक्टेड, जब न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने आरबीआई को कॉन्टैक्ट किया, तो आरबीआई के ऑफिशियल ने कहा कि दिस इज अ रूटीन एक्सरसाइज। यानी जो करेंसी को बदलना है वो एक रूटीन एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आता है क्लीन करेंसी पॉलिसी में, ठीक है। क्लीन नोट पॉलिसी है उसके अंदर आता है। मतलब जब भी थोड़ा टाइम हो जाता है ना हमें किसी करेंसी को इशू किए हुए, तो उसके नोट जो है ना वो काले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, सॉइल्ड हो जाते हैं, उनको हम ये बोलते हैं। तो नोट की जो हालत है ना वो धीरे धीरे ख़राब होती है। और यहाँ पे तो दो चीज़ें थी, एक तो नोट की हालत और दूसरा 2000 रुपये जो है वो करेंसी सर्कुलेशन में ना होना, लोगों में उसकी डिमांड ना होना, लोग उसे नहीं चाहते थे ज़्यादा रखना, ठीक है। सो दिस इज़ अ रूटीन एक्सरसाइज, आरबीआई कहते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल कहते हैं कि ये रूटीन एक्सरसाइज है। एंड अ सिमिलर विदड्रॉ ऑफ करेंसी नोट विच हैड बीन प्रिंटेड बिफोर 2005 वाज डन इन 2013-14 आल्सो। तो वो कह रहे हैं 2013-14 में भी हमने ऐसे करेंसी नोट वापस लिए थे पुराने वाले, जो कि 2005 से पहले प्रिंट हुए थे, है ना। So nothing more should be read on this move this time around too. तो अभी भी जो है, मतलब इस move का इतना बड़ा reason नहीं है। Reason यही है कि एक तो note soil हो चुके थे, दूसरा circulation में ही बहुत कम थे, 10 से 11% hardly. तो this was the reason कि RBI ने जो है वो 2000 रुपये के notes जो हैं वो वापस बुलाए हैं। अभी क्वेश्चन इज कि आपको क्या करना है, यानी क्या करना है आपको अगर आपके पास 2000 का नोट है। तो देखिए, यहाँ फोकस कीजिए, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 2000 का नोट जो है वो लीगल टेंडर अभी रहेगा। यस, आपके पास है तो वो चलेगा। हाँ, कोई लेने को मना कर देता है दुकानदार कि मुझे जाके चेंज कराना पड़ेगा आगे, वो अलग बात है। लेकिन 2000 का नोट इज अ लीगल टेंडर अभी भी 30 सितंबर तक। नोट्स कैन बी डिपॉजिट और एक्सचेंज्ड फ्रॉम May 23 to September 30। यानी 23 मई के बाद, आज है 20 मई, 23 मई के बाद 30 सितंबर तक जो है इन नोटों को, जो क्या कर, इन नोट्स को हम क्या कर सकते हैं, या तो डिपॉजिट करा दो अपने सेविंग अकाउंट में। आपके पास 2000 के नोट पड़े हैं, अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दो और फिर ATM से जो चाहिए आप निकाल लो। अगर आपको एक्सचेंज करने हैं कि ये नोट है इनको एक्सचेंज करके दे दो मुझे, ठीक है, तो वो एक्सचेंज भी हो जाएंगे। लेकिन 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। एक बैंक में 20,000 ही होंगे एक टाइम पर, राइट।
एक्सचेंज फैसिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, एक्सचेंज फैसिलिटी किसी भी बैंक की ब्रांच में होगी, चाहे वो SBI, HDFC, ICICI है, IDFC है, AU बैंक है, कोई भी बैंक है, ठीक है, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी बैंक है उसमें जो है वो एक्सचेंज फैसिलिटी मिलेगी, प्लस 19 रीजनल ऑफिसर्स ऑफ RBI में भी ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है जी। सो बैंक्स जो हैं उनको ये हिदायत है कि वो अब 2000 के नए नोट इशू नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर आप उनको 2000 के नोट दोगे तो वो आपको 2000 के नोट अब नहीं दे सकते। ATM से भी 2000 के नोट निकलना बंद हो जाएंगे। तो आप जो है वो अपने पैसे डिपॉजिट करवा के अपना अमाउंट जो है, अगर छोटा अमाउंट है तो आप ATM से भी निकलवा सकते हो, अदरवाइज आप एक्सचेंज करवा लो या सीधा डिपॉजिट करवा दो। सो दिस इज वट यू कैन डू। सो दैट वॉज द मूव। Stay tuned with us for more such information. Thank you so much.